नहीं 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 नहीं, मत रो रत्ना, हिम्मत मत हारो। पाठक जी और भगत जी तुलसी को ढूंढने के लिए काशी गए हुए हैं और वो तुलसी को अपने साथ लेकर ही आएंगे। नहीं, वो कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि वो सबको छोड़कर कहीं चले गए हैं। इस तरह हिम्मत नहीं हारते बेटी, आज तुम्हारी शादी का दिन है और तुम्हें इस हाल में छोड़कर तुलसी कहाँ जाएगा। वो जरूर आएगा बेटा, वो जरूर लौटकर आएगा, धीरज से काम लो बेटा। इसलिए तो मैं नई साड़ी पहनकर तैयार होकर पूजा कर रही हूँ। अमावस्या के दिन ही वो गए थे और अब तक लौटकर नहीं आए हैं और शायद कभी लौटेंगे भी नहीं। मेरी जिंदगी में तो हमेशा के लिए अमावस्या आ गया है। हे रामदूत हनुमान, मैं अपनी पत्नी को छोड़कर इतनी दूर तक आया हूँ, कृपा करके मुझे रास्ता दिखाइए प्रभु। आखिर मेरे मार्गदर्शक आप ही तो हैं पवन पुत्र। भगवान तो अपने भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं। अग्नि में तपने के बाद ही सोना चमकता है, वैसे ही जब कठिन समय आता है तब इंसान की शक्ति का अनुमान होता है। प्रभु श्री राम जी ने प्रजा के हित के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए कितना कष्ट सहा था, ये तो आप जानते हैं ना अंजनी पुत्र। वो तो श्री राम थे, मैं तो एक मामूली इंसान हूँ। श्री राम जी ने मानव जाति में जन्म लेकर कितना कष्ट सहा था। आपको चाहिए कि आप श्री राम जी को भगवान मानकर उनकी कहानी को लोक जन की भाषा में लिख करके जन जन तक पहुंचाओ, इसी में सबका कल्याण है। आंजनेया, मैं कोशिश करता हूँ। रामायण लिखना तो बेहद ही कठिन कार्य है, उसे कब और कैसे पूरा कर सकता हूँ विस्तार से बताइए। तुलसीदास, आप यहाँ से मिथिला नगरी होते हुए अयोध्या जाइए, वहाँ सरयू नदी के पास आपको राम जी के अस्तित्व के सारे साक्ष्य मिलेंगे, जिससे आपको रामायण लिखने में सुविधा होगी। राम भक्त होने के नाते मैं जरूर प्रयास करूंगा। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री राम। मैंने जो भी लिखा था वो सब गायब हो गया, ये कैसे हो सकता है। महाकवि, ओ महाकवि, महाकवि तुलसीदास आप ही है ना। महात्मा, मैंने जो लिखा था वो खो गया है, महाकवि बुलाकर आप मुझे शर्मिंदा ना करें। अरे नहीं नहीं, आप ऐसी बातें ना करें। देखिए तुलसीदास जी, सत्य बात तो ये है कि मैं पूरे हृदय से आपको सच्चा कवि मानता हूँ और आपको मजाक लग रहा है। मुझे श्री राम जी का आशीर्वाद मिला है, हनुमान जी का भी आशीर्वाद मिला है, फिर भी मेरा लिखा हुआ अदृश्य हो रहा है। क्या कहा आपने, जो लिखा है वो अदृश्य हो गया? वैसे इस समय आप कौन सा काव्य चरित्र पर काम कर रहे हैं? श्री रामचंद्र का चरित्र लिख रहा हूँ। ओहो, आप रामायण लिख रहे हैं क्या? तो क्या पहले किसी ने इसे लिखा नहीं है? और यदि लिखा है तो उसमें क्या गलत था जो आप लिख रहे हैं? या फिर आप पुराने को मिटाकर सिर्फ अपनी बात कहना चाहते हैं, क्या ये सत्य है? देखने में तो आप सज्जन लग रहे हो, पर किसी का मजाक उड़ाना आपको अच्छा लगता है। किसके दिल में क्या है ये जानना आपके लिए जरूरी नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने कामों पर ध्यान दीजिए ना। झूठी बात करना, मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना, ऐसी बातें करना मुझे जरा भी पसंद नहीं है। मेरे मन में तो सिर्फ एक ही प्रश्न है कि आप रामायण आखिर क्यों लिख रहे हैं, बस। अब बताइए, किसी के मन में यदि ये प्रश्न आए तो उसे क्या जानने का भी अधिकार नहीं है? आपको दौलत चाहिए, राजा का अधिकार चाहिए, यही सत्य है ना? रुक जाइए, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैं तो अपनी पत्नी, भौतिक सुख छोड़ छाड़ कर यहाँ पर आया हूँ और आपको ऐसा लगता है कि मुझे दौलत का लालच है? मेरे दिल की हर धड़कन में राम ही राम बसे हुए हैं। राम जी तो पूरे हिंदुस्तान में बसे हैं। इस दुनिया को बचाने वाला है ये रामायण ग्रंथ, वाल्मीकि ने लिखा हुआ रामायण। मैं आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा हूँ, जिसे पढ़कर लोग अपना जीवन पूरी तरह सुखी कर सकते हैं। रामायण लिखने के सिवा मेरी जिंदगी का कोई उद्दिष्ट नहीं है, बस यही मेरा संकल्प है। हो सकता है मुझमें कुछ खामियां हो, इसलिए मेरा रामायण लिखना अभी भी अधूरा है।
तुलसीदास, आपका इस महाकाव्य रामायण को लिखने का ये संकल्प एक दिन जरूर पूरा होगा। आखिर आप कौन है मुझे बताइए। मैं कौन हूं अभी तक नहीं पहचाना? एक कवि दूसरे कवि को ना पहचान पाए, बड़ी आश्चर्य की बात है। जय श्री राम। महात्मा, प्रणाम महाकवि वाल्मीकि जी। यशस्वी भव। मैं तो धन्य हो गया। एक ऐसा आदमी जिसने वेद और पुराण लिखे और जिसने हिमालय को अपने वश में किया और पंच महाभूतों पर जिसने वर्चस्व स्थापित किया हो, ऐसे महान इंसान से प्रभावित होकर महाकाव्य रामायण को मैंने आसान भाषा में लिखने का प्रयास किया है। लेकिन मैं जो भी रचना रच रहा हूं वह अदृश्य हो रही है। देखो तुलसीदास, वो लिखना इतना आसान नहीं है। महाकवि, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुमने अपने जीवन में जो भी तकलीफें बर्दाश्त की हैं, वही तुम मुझसे बताने के लिए यहां आए हो ना? महर्षि, मैंने जरूर कोई पुण्य किए होंगे जो मुझे आपके दर्शन मिले। मुझे आशीर्वाद दीजिए। सुनो बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि तुम रामचरित्र की पूरी कहानी लिख सकते हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर हमेशा बना रहेगा और तुम्हारा काम अवश्य पूरा होगा। मेरा आपसे अनुग्रह है कि रामायण लिखने के लिए मुझे रास्ता दिखाइए महाकवि जी। श्री राम के चरित्र को लिखना ही एक महान कार्य है बेटा, इसीलिए तुम लिखना शुरू करो। आगे का रास्ता तुम्हें भगवान दिखाएंगे। मैं बहुत ही किस्मत वाला हूं। हां, सही कहा तुमने, लेकिन एक बात याद रखना कि रामचरित्र को हर किसी के दिल में बसाने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपने अभी जो बात मुझसे कही है वो मैं हमेशा याद रखूंगा महर्षि जी। तुलसीदास, इस चरित्र को सबके दिल में बसाने के लिए बहुत होशियारी से काम करना पड़ेगा। तुलसीदास, इस चरित्र को पढ़कर आम आदमी भी जागरूक और विद्वान बन जाएगा और ये कार्य करने से तुम्हें बहुत पुण्य मिलेगा और तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। यशस्वी भवा। प्रणाम। आयुष्मान भवा। काशी के विश्वनाथ धाम में रामचंद्र के चरित्र को लिखने की मैं शुरुआत कर रहा हूं। आप मुझे सद्बुद्धि और विवेक दीजिए। हे गुरुदेव, आपके उन काव्य पंक्तियों को आसान भाषा में लिखने की मुझे अनुमति दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। हे महादेव, मुझे शक्ति दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुनो रत्नावली, भगत जी और पाठक जी तुलसीदास को लेकर आने वाले हैं। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। भगवान पे भरोसा रखो,
वो देखो वो लोग आ गए हैं। तुलसी कहाँ है? साथ लेकर नहीं आए उसे? कौशल्या, रत्नावली, तुलसी को ढूंढने के लिए हम आसपास के कई गांवों में गए, साथ ही सनातन आश्रम में भी ढूंढा, लेकिन तुलसी कहीं नहीं मिला। क्या वो आपको कहीं नहीं मिले? तो फिर कहां गए होंगे वो? वो ठीक तो होंगे ना? नहीं रो मत रत्नावली, चलो उठो, रो मत, उठो, चलो उठो बेटा, उठो। रत्ना, अब इस तरह से रोने का क्या फायदा? तुम्हारे बर्ताव से तंग आकर खुद की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाए, ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी और वो यहाँ से दूर चले गए। पाठक जी, जरा शांत रहिए, धैर्य से काम लीजिए। देखिए ना, इस वक्त रत्नावली की हालत ठीक नहीं। राम भगत जी, मुझे आपकी बातों से एतराज नहीं है, लेकिन रत्नावली को भी तुलसीदास को कुछ बोलने से पहले एक बार विचार तो करना चाहिए ना। इस तरह की छोटी मोटी कहा सुनी तो पति पत्नी में होती ही रहती है। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रत्ना, ये सब हो जाएगा, मैंने सोचा भी नहीं था। रत्ना, पति पत्नी का रिश्ता एक खूबसूरत मिसाल होता है, लेकिन शायद तुम दोनों में अनबन हद से ज्यादा हो गई, इसीलिए वो नाराज होकर तुम्हें छोड़कर चले गए। बेटी, जो हो गया सो हो गया, अब ये सोचिए तुलसीदास कहाँ मिलेगा। अब तो ये बात पूरे विक्रमपुर गांव में फैल चुकी है कि मेरी बेटी ने कड़े शब्दों का प्रयोग करके तुलसीदास को घर से बाहर कर दिया। मैं इस बात को सह नहीं पा रहा हूँ। अब मेरे और रत्ना में पिता और बेटी का कोई रिश्ता नहीं है, ये मेरी नजर में गिर चुकी है। रत्ना को आप माफ कर दीजिए पाठक जी, इसका पिता अब मर चुका है। पाठक जी, इतना गुस्सा मत होइए। आपकी इजाजत हो तो मैं आपको एक हकीकत बताना चाहता हूं। कैसी हकीकत? क्या हुआ रत्नावली, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? तुलसी तुमसे मोहब्बत करता है ना? तुलसीदास अगर इतना प्रेम करता है तो रत्ना रो क्यों रही है? उन्होंने जो मुझ पर इतनी मोहब्बत लुटाई है वही अब मेरे सामने मुसीबत बन गई है। विक्रमपुर से आने के बाद से वो मठ ही नहीं गए हैं। क्या कहा, मठ में गए ही नहीं? ठीक है, मैं स्वयं तुलसीदास से बात करता हूँ। ससुर जी, कल काशी से गंगाराम आए थे, उन्होंने कहा था कि तुलसीदास बहुत प्रतिभाशाली हैं, उनके जैसा कवि रचयिता हमारे देश में नहीं है कहकर उनकी बहुत तारीफ की। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, आज तक तो हमने उन्हें एक पंक्ति लिखते हुए भी नहीं देखा। लिखेंगे, जरूर लिखेंगे। जैसे सूरज की रोशनी को कोई रोक नहीं सकता, उसे भी कोई नहीं रोक सकता। मुझे यकीन नहीं है ससुर जी, क्योंकि वो मेरी मोहब्बत में बिल्कुल एक आम इंसान बन चुके हैं। फिर तुमने क्या करने का सोचा है? अगर मैंने खुद को उनके ख्यालों से मिटा दिया तो वो एक बहुत बड़े महाकवि बन सकते हैं। यानी तुलसीदास को तुम दूर करना चाहती हो? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला कोई पत्नी अपने पति को दूर कैसे कर सकती है? सासू माँ, मैं क्या फैसला लूँ समझ नहीं आ रहा। शायद ये फैसला लेने से लोगों की नजरों में गुनहगार बन जाऊँ, लेकिन हमारे परिवार की इज्जत बढ़ जाएगी। मैं गुनहगार बनने को तैयार हूँ, लोगों की बातें सुनने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, ईश्वर की कृपा से ही तुम्हारी जोड़ी बनी है। पति पत्नी की अनबन को लेकर तुलसीदास इतने दूर चले जाएंगे, इसका एहसास मुझे कभी भी नहीं था। बेटी रत्ना, आज मुझे खुद पर नाज हो रहा है कि मैं तुम्हारी जैसी बेटी का पिता हूँ। पिताजी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तुलसीदास को समझ में आना चाहिए कि महंत निरंजन दास कौन है। निरंजन जी, आप? हाँ पंडित जी, वैसे तो लोगों को हैरत होगी,
काशी मठाधीश निरंजन के सामने राजा भी सर झुकाते हैं और काशी में रहने वाली समस्त प्रजाजन श्रेष्ठ लोग इस निरंजन के सामने नतमस्तक होते हैं। फिर भी मैं तुलसीदास के खिलाफ शिकायत लेकर क्यों आया हूँ यही सोच रहे हैं ना? आप भी रामायण सुनने के लिए आए हैं क्या? अपना मुंह बंद करो बेवकूफ। उनके बारे में आपने सुना होगा इसलिए ऐसा कह रहे हैं। आप जैसे बेवकूफ किसी को भी अपने सराखों पे बिठा लेते हैं, कहीं भी मंदिर में जाकर दर्शन लेते हैं। तुलसीदास कोई नया रामायण नहीं लिख रहा है, बल्कि वाल्मीकि जी ने जो लिखा है उसे खराब कर रहा है। मैं भी किसे समझा रहा हूँ। तुलसीदास, ओ तुलसीदास, बाहर आओ तुलसीदास। नमस्ते महापुरुष जी। क्या ये सच है कि आप रामायण लिख रहे हैं? बताइए। श्री रामचरित्र मैं ऐसी भाषा में लिख रहा हूँ जो हर किसी के समझ में आ जाए। आप तो समाज का उद्धार करना चाहते हैं। क्यों रे, सुना तुम लोगों ने? तुलसीदास समाज को सुधारना चाहते हैं। अगर आपको इतनी ही समाज सुधारने की पड़ी है तो काशी जाकर श्राद्ध अर्पण कीजिए ना। गंगा में जो लाशें तैर रही हैं उसे निकाल कर कहीं दफन कीजिए। इसी बहाने काशी के लोगों का भला भी हो जाएगा। लेकिन रामायण जैसे पवित्र काव्य को लिख कर खराब क्यों कर रहे हो? और इसकी इजाजत तुम्हें किसने दी? स्वयं हनुमान जी ने अनुमति दी। अच्छा, तो अभी वो कहाँ है? आज भी प्रभु मेरे साथ ही हैं। ऐसा है क्या? हनुमान जी यहीं पे है क्या? मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं हनुमान जी। हनुमान जी, हनुमान जी कहाँ हैं आप? अब इतना बुलाने पे भी हनुमान जी नहीं आ रहे हैं। हनुमान जी के दर्शन करने हैं तो भक्ति होनी चाहिए महापुरुष। ओहो, तो अब आप मुझे भक्ति सिखाएंगे? मैं यहाँ आपको चेतावनी देने के लिए आया हूँ तुलसीदास। आप जो लिख रहे हैं उसे रोक दीजिए। यह असंभव है। फिर से एक बार सोच लीजिए तुलसीदास, अभी भी वक्त है आपके पास। आप मेरे कदमों में गिर के माफी मांग लीजिए, नहीं तो याद रखिए मैं तुम्हारी लिखी हुई पोथी और इस कुटी को जला के राख कर दूंगा। इसे सिर्फ चेतावनी मत समझिएगा, भविष्यवाणी है।